देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो देखिए अभी हम लोग बौद्धिक संपदा, बिहार में जो बौद्धिक संपदा है वहाँ से शुरुआत करेंगे। ये जितने क्वेश्चंस हैं वो सब आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे बीपीएससी में। बीपीएससी 65 दीजिए, 66 या कोई भी बीपीएससी का दीजिए, उसमें काम आएगा। आपके रेलवे या अदर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये काम नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक फॉर बीपीएससी है। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार का सबसे पहला महत्वपूर्ण सूफी संत थे। तो देखिए सबसे पहले जो बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संत थे वो थे इमाम ताज फकीह, है ना। ये इमाम ताज फकीह जो थे वो पहले सबसे सूफी संत थे। ये 12वीं शताब्दी में मनेर में बस गए थे। आप मनेर कभी जाएं, पटना से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मनेर का, तो आपको बाकी काफ़ी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो देखिए सबसे ज़्यादा जिनको लोकप्रियता मिली वो मिली हमारे फिरदौसी को। जो फिरदौसी हैं उनको सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो नाम मिला था। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो वो थे फिरदौसी। फिरदौसी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? ये फिरदौसी से थे। बिहार में फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी का जन्म मनेर में 1290 में हुआ था। बिहार के फिरदौसी सिलसिले के संत मखदूम सरफुद्दीन मनेर के उपदेशों की जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है माद नुल मानी में से, और मखदूबे सदी से भी मिलती है, और अबादुल मुरीदीन से भी ये मिलती है ना। तो ये इसका सभी में मिलती है, ये ए भी साथ में होगा। तो मखदूबे सदी उनके पत्रों का संकलन तथा अदाबुल मुरीदीन और माद नुल मानी उनकी रचना है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु हुई, तो ये उनकी मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में उनकी डेथ हुई थी, और उनका वहाँ पर एक मज़ार भी आपको मिल जाएगा बिहार शरीफ में। दरिया पंथ संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहिब का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था बक्सर जिला में। इनका जन्म डुमराव के निकट घरखा गांव बक्सर में हुआ था। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया, तो ये किया था गुरु नानक देव ने। सबसे पहले गुरु नानक देव बिहार में आए थे, इसलिए उनका नाम आएगा गुरु नानक देव का। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना सिटी में। 350वां प्रकाश पर्व और 351वां मनाया गया है। उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 दिसंबर 1666 को, है ना। 26 दिसंबर 1666 को उनका जन्म हुआ था। सिख धर्म के किस गुरु ने बिहार के क्षेत्र में अपनी धार्मिक प्रतिनिधि या मंसद भेजे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म ही यहीं हुआ था, बाद में इससे बहुत जुड़े हुए थे वो। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने मंसद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया, तो पादरियों ने रोमन कैथोलिक, है ना, इन्होंने रोमन कैथोलिक पादरियों ने सबसे पहले ये प्रचार किया था, और हथुआ मार्केट में खास करके इन्होंने अपना अच्छा प्रभाव जमाया था। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? देखिए ईसाइयों का पहला चर्च जो बना था वो बना था पटना सिटी में, है ना। ईसाइयों का पहला चर्च बना था वो बना था पटना सिटी में। यह 1713 में पटना सिटी में निर्मित हुआ। पटना में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1620 में। जहांगीर के आदेश पर इसकी स्थापना हुई थी। आधुनिक काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु पटना में पद स्थापित किया गया है, तो अस्टेसियस हार्टमैन को, है ना, आधुनिक काल में, इसको ध्यान में रखेंगे अस्टेसियस हार्टमैन। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार जब एग्जाम में आते हैं ना तो लोग एकदम चौंक जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके यकीन माने आपके सिलेबस से बाहर का नहीं होता है। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? यह स्थापित की गई थी दानापुर में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने स्थापित की? ये की थी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने।
बिहार के अघोर कामिनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि संबंधित हैं। तो ये सब संबंधित हैं ब्रह्म समाज से। रामकृष्ण मिशन की बिहार में पहली शाखा खुली, तो ये खुली थी पटना में। पटना में इसकी शाखा 1922 में खुली थी, अभी भी आपको दिखेगा। आप नाला रोड साइड में जाएंगे तो बाएं साइड में आपको वो दिख जाएगा, रामकृष्ण मिशन का। वो बिहार के जतेंद्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित हैं। तो ये दोनों ही संबंधित हैं रामकृष्ण मिशन से। बिहार के पूर्णेंदु नारायण सिंह, सरफराज हुसैन खां एवं मधुसूदन प्रसाद नीण में से किस संस्था से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से और लोग भी संबंधित थे। आप मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में स्थित मुस्लिमों की एक महत्वपूर्ण संस्था इमारत सरिया की स्थापना किसने की थी? ये की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। इमारत सरिया की स्थापना 1921 में की गई थी। जमीतुल उलेमाए हिंद की शाखा बिहार में संगठित की, ये की थी मौलाना मोहम्मद सज्जाद ने। बिहार के किस गवर्नर के बारे में कहा जाता है कि उसने ईसाई धर्म ग्रहण किया? तो ये था मुकर्रब खां। मुकर्रब खां ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो तक्षशिला नहीं था। हम जानते हैं कि तक्षशिला जो है वो अफगानिस्तान में है। बिहार में का सबसे प्रमुख जो है वो विक्रमशिला भागलपुर तथा वज्रासन विश्वविद्यालय बोधगया में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो वो था इब्ने बतूता। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं अध्ययन किया था, बाकी युआन च्वांग, धर्मा स्वामीन, इत सिंह सब ने वहाँ अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे तो वो थे दिग्नाथ और शीलभद्र, है ना। ये दोनों ही नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे, दिग्नाथ भी और शीलभद्र भी। अतिश दीपंकर आचार्य थे तो ये थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। उदंतपुरी बिहार शरीफ के प्रमुख आचार्य शांत रक्षित थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा ग्रहण की थी तो वो की थी मिथिला में। राममोहन राय मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने भी पटना आए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे तो ये थे गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। गौतम मिथिला के ब्रह्मपुरी गाँव में रहते थे। कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो ये मिथिला से है। विद्यापति मैथिली भाषा का सर्वाधिक महान साहित्यकार थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त कृतियां प्रकाशित हुई है तो वो हुई है खड़ग विलास प्रेस से। बिहार के साहित्यकार हैं तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली और पंडित रामाताव शर्मा, यानी कि तीनों ही बिहार के साहित्यकार हैं। हिंदी कविता क्षेत्र से संबंधित बिहार के हैं तो वह हैं कुमार विमल, डॉक्टर वचनदेव कुमार और डॉक्टर सुमन सरीन, यानी ये सब हैं। बिहार के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो श्री नागार्जुन भी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं और रावींसा पुष्प, ये तीनों ही हैं। भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार हैं तो ये हैं भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, रघुवीर नाथ, अवध बिहारी सुमन, गणेश दत्त तिवारी, उमाकांत वर्मा, रामेश्वर सिंह इत्यादि भोजपुरी भाषा से संबंधित हैं। भोजपुरी का जनकवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर किस भाषा की रचना है? ये मैथिली की रचना है। विद्यापति खंड, चंद्रकला, भानु कवि, महेश ठाकुर, गोविंद दास, रुद्रधारा इत्यादि मैथिली भाषा से संबंधित साहित्यकार या कवि हैं। मगही भाषा से संबंधित साहित्यकार हैं तो ये हैं लक्ष्मी नारायण पाठक, सुरेश दुबे, योगेश्वर सिंह। योगेश्वर सिंह योगेश ने गौतम नामक महाकाव्य की रचना की है। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था तो वो था दी बिहार हेराल्ड। इसका प्रशासन गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में हुआ। बिहार का पहला प्रथम उर्दू अखबार था तो वो था नूरुल अनवार। यह उर्दू अखबार आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो वो था बिहार बंधु। यह 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ।
1881 में इंडियन क्रॉनिकल का प्रकाशन बिहार में कहाँ से हुआ? ये हुआ था पटना से। 1924 में दी पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया था ये किया था मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री भी थे। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की? तो उस पत्र का नाम था द इंडियन नेशन। यह पटना से प्रकाशित होता था। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था तो वो था सर्वहितैषी, यह पटना से प्रकाशित हुआ था। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के थे। शेख गुलाम अली रासिक बिहार के महत्वपूर्ण उर्दू कवि थे। बिहार के उर्दू भाषा के विद्वानों और उनकी रचनाओं को सही सम्मिलित कीजिए। तो देखिए इसमें होगा, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा देखें कि कौन कहाँ से है, तो इमादुद्दीन कलंदर ने यहाँ से सिराते मुस्तकीम ये गद्य में लिखा है। फिर हमारा है अली मोहम्मद साद, तो ये इन्होंने लिखा है मखान ए इल्हाम, गज़ल संग्रह है ये इन्होंने लिखा है। फिर हमारा जैसे अजीमुद्दीन अहमद में लिखा है गुल नगमा, है ना, ये कविता संग्रह है। और इसके बाद प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद, इन्होंने जो है उर्दू शायरी पर एक नज़र ये लिखा है। तो ये सब आप देख लेंगे, ये सब महत्वपूर्ण है, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। बिहार के हिंदू कवि लाल उजागर चंद उल्फत तथा राजा राम नारायण मौजू ने भी उर्दू भाषा में रचनाएं प्रस्तुत की है। उर्दू भाषा में बिहार का पहला इतिहास नक्शे पायदर के रचयिता हैं, तो ये हैं मोहम्मद साद। बिहार पर उर्दू भाषा में पहली ऐतिहासिक रचना किसने लिखी? ये लिखी थी, इनमें से तो कोई नहीं है जिन्होंने लिखी थी, जिनका नाम आएगा मैं बता दूंगा। बिहार राज्य की प्रमुख प्रचलित भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है और मगही भी बोली जाती है, लेकिन अवधि जो है ना वो बिहार में नहीं बोली जाती है, प्रमुख भाषा नहीं है यहाँ की। मगही भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ईशान को। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम था तो वो था पाली भाषा। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक ज़िले में भोजपुरी बोली नहीं जाती है? तो देखिए दरभंगा में जो है ना भोजपुरी नहीं, मैथिली बोली जाती है यहाँ पर, है ना, दरभंगा इसका उत्तर हो जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ये 2003 में इसको सम्मिलित किया गया था। चलिए हमारे पास ये लेक्चर काफ़ी छोटा हो रहा है, तो इस लेक्चर को थोड़ा बड़ा करते हैं और 5वां नंबर भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। और मैं बता दूं कि बीपीएससी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह के क्वेश्चन 25 से 30 नंबर तक के पिछली बार आए हुए हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आया। तो अगर आप लूसेंट और ये दो बुक को ही घोट लें और करंट पे थोड़ा ध्यान रखें तो आपके 100+ नंबर आ जाएंगे और आप आराम से बीपीएससी क्लियर कर जाएंगे प्री में। आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो भी वेल एंड गुड, आराम से कर लेंगे, और नहीं तो मैं आपके साथ हूँ ही यहाँ पर मदद करने के लिए। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिथिला में। बिहार में प्रिया व्रत किस क्षेत्र में प्रचलित है, अत्यधिक प्रचलित है? तो यह है भोजपुरी क्षेत्रों में। बिहार के किस जिला में बिहुला त्यौहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? ये माना जाता है भागलपुर में, इसे विषाढ़ी पूजा भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मिथिलांचल में। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं तो ये हैं अमता दरभंगा में, डुमराव बक्सर में, बेतिया पश्चिम चंपारण में, तो ये सभी हैं। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत हैं तो हैं राज तरंगिनी, है ना, ये कलह ने लिखी थी। मेन तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में है, लेकिन थोड़ा बहुत वर्णन यहाँ का भी है। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है तो वह है गया। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी
अपनी पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत का से सौगात लेकर गए थे, तो ये खुड़चन को लेके गए थे, है ना, थोड़ा व्यंग का भाव ज़्यादा था इसलिए वो खुड़चन लेके गए थे। पटना कलम संबंधित है चित्रकला से, आप जब कभी बीपीएससी का मेंस देंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पटना कलम के चित्रों में जनसाधारण के जीवन विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है। पटना कलम के प्रमुख प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे तो वो थे सेवक राम। सेवक राम का काल 1770 से 1830 था। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं तो ये हैं उल्लास लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, यानी कि ये सभी हैं। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है तो यह है प्रवर्ती मुगल काल से। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज एवं कहीं कहीं हाथी दांत पर भी बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है तो बिहार से है, मिथिला क्षेत्र से है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है तो ये देखिए, यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अड़ीपन, ये सब सही हैं उसके। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार हैं तो यह कौशल्या देवी, सिया देवी और शशिकला देवी, ये सभी उसके कलाकार हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं तो ये मिले हैं राजगीर से, वैशाली से, तो ये दोनों ही सही होगा। बुद्ध के समकालीन मगध शासक अजातशत्रु की प्रेमिका अम्रपाली वैशाली की प्रमुख नर्तकी थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है तो यह है छठ। बिहार का यह क्षेत्रीय त्यौहार है, इस अवसर पर सूर्यदेव की पूजा होती है। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है मिथिलांचल में। सौराष्ट्र सभा मेला कहाँ आयोजित होता है तो ये होता है मिथिलांचल में। यह शादी ब्याह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है संबंधित है तो वो संबंधित है जैन धर्मावलंबी से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है तो यह किया जाता है गंगा गंडक के संगम पर। यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं तो ये हॉलैंड यानी डच शैली से प्रभावित हैं। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है गौथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है तो ये यूरोपियन पुनर्जागरण काल की शैली है। पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें हिंदी इस्लामी शैली से प्रभावित है। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था डुमड़ाव जो बक्सर में वहाँ हुआ था। बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न मिला था, ये बहुत प्रमुख शहनाई वादक थे। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है तो यह है मधुबनी। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी तो ये अंग में लोकप्रिय थी। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है तो यह है बिहार का। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लग्नी राग किस अवसर पर गाया जाता है, ये विवाह के अवसर पर ही गाया जाता है लग्नी राग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणेश्वरनाथ रेणु की नहीं है तो देखिए, ये विदेशिया फणेश्वरनाथ रेणु की नहीं है, विदेशिया को भिखारी ठाकुर ने ज़्यादा प्रमोट किया था। कितने चौराहे, जुलूस, मेला आंचल जिसके ऊपर फिल्म बनी है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है तो विद्यापति को ये कहा जाता है। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ स्थित है, ये स्थित है बिहार में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये पाली स्नाकोत्तर शोध संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए अभी हम लोग जो है पाँच तक की, चार और पाँच को ही डिस्कस करते हैं, छः को हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।